बसमिल मैं सईद इमरान शेफ़ खाब की खिदमत में हाजिर हूँ इमरान खान साहब की हुकूमत को तीन साल होने वाले अठारह अगस्त को इस सिलसिले में एक सर्वे जारी है और सर्वे इस पर बिलीव किया जा सकता है क्योंकि ये सर्वे कंपनी का सर्वे नहीं है ये सर्वे एक पाकिस्तान के मरूफ़ाफ़ी हैं वो सर्वे कर रहे हैं और उस सर्वे के मुताबिक जज ये करना था कि इमरान खान साहब कहाँ पर खड़े हैं और मुस्लिम लीग नून या उनके जो मुखिन हैं उनकी पोजिशन इस वक्त अवाम में कहाँ, खसूस न ली कि ये जानबूझ कर असेस किया जा रहा है क्योंकि वो बातें चली थी ना कहिए कि वो एंटी इस्टेबलिशमेंट नरेटिव लेने की वजह से लोगों ने नवाज शरीफ का बयानिया मुस्रद कर दिया ये कर दिया लोग अपनी मोहब्बत करते हैं ये वो इस तरह की बातें की थी तो वो सर्वे बड़ा खौफनाक आया है वो सर्वे मैं आपको बताता हूँ कि वो सर्वे करने वाले हमारे दोस्त हैं हबीब अक्रम साहब आ, वो लाहौर में सर्वे मुकम्मल कर चुके हैं लाहौर में उन्होंने लाहौर के मोटे मोटे जो इलाके हैं ना वो सारा ये लक्ष्मी शालमी मॉडल टाउन गुलबर्ग क्या कहते हैं मुगलपुरा ये ये नई वादी कौन सी है जौहर टाउन इस तरह के वो उन्होंने पूरे इलाके हर उम्र के लोग सारे इलाके पौश एरियाज अंदरून शहर बैरून शहर हर तरह के इलाके और हर एज के लोग ख़वा ये सब को उन्होंने कवर किया है और रिज़ल्ट बड़े खौफनाक आए हैं और रिज़ल्ट खौफनाक ये हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं इन्होंने कुछ ज़्यादा मसाला ला के दसा लेकिन मसाला लगाने की ज़रूरत ही नहीं कि रिज़ल्ट ख़ुद बजाते ख़ुद बहुत बड़ा मसाला है सर एट्टी परसेंट लोग जो हैं अभी भी नून लीग के साथ खड़े हुए हैं और इमरान ख़ान साहब वो माजी का तो वो हिसाब किताब लगाना है उन्होंने ये मैंने पर्चा लीक कर दिया है बल्कि रिजल्ट लीक कर दिया है पर्चा क्या लीक करना था तो हबीब साहब और उनका जो प्रोड्यूसर है अली जान बड़ी मेहनत करते हैं इस काम के ऊपर तो मारण गए मैनू लेकिन कोई बात नहीं कॉम के मुफाद में मैंने बता दिया आपको लेकिन नून लीक का ये नैरेटिव लोगों में तो बड़ा मकबूल है वो क्या है एंटी इस्टबलिशमेंट वो क्या है नवाशी साहब खड़ोक कहते हैं कि जनाब के ये सत्तर साल निज़ाम बदलना है तो ये कम अज़ कम लाहौर में ये नरेटिव मैं फ़कीर आदमी गरीब आदमी मैं बड़े अरसे से ये बात करता हूँ कि यार के पार्टी पीछे रह गई है वाम आगे न गई वोटर आगे नंग गुजर गया होता है ना कि पार्टी जो है वो अब सोच रही है कि उनकी करना और वो सोच रही है ये खबर भी है आज रोजन दुनिया में ये ख़बर छपी हुई है कि जी के बिलावल जरदारी जो साहब हैं उनकी जो पेशकश है उनके उसके ऊपर गौर किया जा रहा है कि इन हाउस चेंज ले आएँ और इसमें पार्टी के काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि यार कि ये बात ठीक है अच्छा लॉजिकली मुझे ये बात ठीक लग रही है लेकिन शरीफ साहब चूँकि बड़े लीडर हैं और उनका और फिर वो पाकिस्तान से बाहर बैठकर इंटरनेशनल एक जाविए के साथ भी पाकिस्तान को देख रहे हैं और उनको जिस तरह पाकिस्तान टोटली आइसोलेट होता जा रहा है ये जो मैंने कल भी गुजारिश की थी कि उड़ना आंदा नहीं थे बड़े वे छाला मतलब के एक पॉलिसी जो लेके चलनी थी सी पैक और चाइना को फिर बात लंबी हो जाएगी वो कल बड़ी इस पर डिटेल गुफ्तु हुई है कि इमरान खान साहब ने ख़ुद नकाबी का एतराफ़ जो किया है कि अमरीका तो जनाब हमारे साथ हाथ कर गया है, हमारे लाई बेकदरा ना ली आ रही तो टूट गई तड़क कर गए तड़क करके नहीं टूटी सर ये ये बड़े बड़ी बेवकूफ़ी से तड़वाई गई है मैं इस पर कोई वो नहीं करना चाहता इसके हक में या इसके ख़िलाफ़ नहीं मैं आर्गूमेंट्स देना चाहता मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चौहत्तर साल आप एक दुकान से सौदा लेते रहे हैं अब उस दुकानदार ने आपके ऊपर अपना शटर बंद कर दिया है वो कहता है कि जनाब ये अब ये दुकान जो है वो भारत के लिए खुली है मेरी पाकिस्तान मेरा सौदा नहीं खरीद सकता यही हुआ है तो कहने का मतलब है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के ज़्यादा ज़्यादा चीज़ समझ आती है जब आप शतरंज खेल रहे हो ना तो जो साथ बंदा खड़ा होता है ना उसको ज़्यादा समझ आ रही होती है और उन गुस्सा चढ़ रहा है कि यार या चाल क्यों नहीं चल रहा है। तो नवाज शरीफ़ साहब जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं और वो जो नैरेटिव अब तक उन्होंने अडॉप्ट किया है एंटी इस्टेबलिशमेंट वो पाकिस्तान के अवाम का तो चलो रिज़ल्ट आएगा सो आएगा क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक हबीब साहब ने और अली जान ने इस्लामाबाद भी जाना है मुल्तान भी जाना है पेशावर भी जाना है कराची भी जाना है पता नहीं कितने कितने जाना वो बड़ा बड़ा वो एक्सटेंसिव काम करते हैं और बड़ा ही संजीद के साथ और बड़ी वो कहते हैं ना मेहनत के साथ करते हैं रिजल्ट मरतब करते हैं तो उनके उन्होंने आज़ाद कश्मीर के ऊपर दिया था अपना ए, सर्वे और वो हर, मतलब हैरान कन क्या कहना है वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ था तो लिहाजा वो तो रिजल्ट जब आएगा सो आएगा मैं लाहौर की आपको बात बता रहा हूँ पंजाब में जो पंजाब गढ़ था इस्टेबलिशमेंट का वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं रहा पंजाब का यानी तख्त लाहौर जिसको वो कहते हैं ना वो सी कैदी तख्त लाहौर दे एक ताना था ये पूरा पाकिस्तान और बाबर वान साहब ये वाला ताना मारा करते थे कमाल है बस बाबर रान साहब की भी कमाल है मतलब कुड़कुड़ किते -कुड़ थे आंडे किते थे बहर हाल चलें छोड़ते हैं इस बात को वो पार्टी किसी दिए वो जनाब ड्यूटी कितने और कर रही होंगी तो पंजाबी जो है वो इस वक्त अपनी रवायात को और अपनी जो सियासी उसका जो माजी है उसके बरअक्स इस वक्त एक नवाज शरीफ के बयानी से चंद कदम आगे खड़ा है नवाज शरीफ साहब पीछे हैं वो आगे हैं मतलब ना कोई काल है ना कोई जलसा है लेकिन लोग कह रहे हैं कि जनाब के आ, जो नवाज शरीफ कह रहा है वही ठीक है पाकिस्तान के मिसाइल का हल भी वही है ये ड्रामेबाजी और कितने दिन चलेगी बड़े बड़े खौफनाक रिमार्क्स हैं जाहिर है कि दुनिया टी वी इतनी इतना बोझ नहीं उठा सकता कि वो सारे के सारे जो लोगों ने रिमार्क्स दिए हैं वो मुझे अली जान हबीब साहब ने तो नहीं वाली बात, बात अली जान मुझे ये बता रहा था कि पाए लोग बहुत खिलाफ बोल रहे थे और बहुत खौफनाक वो कि हम एयर नहीं कर सकते नाइन्टी परसेंट जो कॉन्टेंट है वो एयर नहीं कर सकते तो आप ख़ुद सोचें तो अब मामला ये है कि जो नून लीग की सियासत है वो अवाम, अवाम में तो मकबूल है लेकिन आखिरी सिरा जो है आखिरी सिरा क्या है उसकी समझ नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही सुन लें वो कह रहे हैं कि जी के बिलावल भुटो साहब ने कहा उसके ऊपर मीटिंग हुई और ख़बरें ये हैं कि नून लीग की अक्सरियत कह रही है कि जनाब के इन हाउस चेंज लेके आएं और वो बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि चीज़ें अपने हाथ में लें और चीज़ें ठीक करें लेकिन एक तबका जो है जो प्रो नवाश तबका कहा जाता है या जो नवाशिफ साहब का बयानियां लेकर चलता है उसमें शायद खाकान अब्बासी साहब से फहरिस्त हैं वो कहते हैं कि जी के अगर तहरीक अदम अतम अगर हमने लानी है और उसको कामयाब करवाना है तो फिर ये सौदे के सौदेबाजी के बग़ैर मुमकिन नहीं है अच्छा वो अपने तौर पर ठीक समझ रहे हैं स, कर रहे होंगे मैं एंड रिज़ल्ट पे जाता हूँ कि फिर हल क्या है ये शायद खकान अब्बासी साहब से सवाल पूछना बनता है और फिर ये ताना देने की क्या ज़रूरत है कि अगर इतना ही शौक़ है तो फिर पहले सैनट में कर लें यार सेनेट में कर लें सेनेट में करके आप क्या साबित कर लेंगे हाथ में क्या आएगा तब्दीली लाने की विफाक की सतह पर पंजाब की सतह पर लाने की तब्दीली ज़रूरत इसलिए है कि पंजाब में आप अगर इंतजामिया आपकी अपनी होगी आप पंजाब आपके पास होगा तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा किला है जो पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट नहीं छोड़ सकती आज से तो वो छीने ना मतलब दस बंदे आपसे कवर नहीं होते वो करें तो फिर सियासत और किसको कहते हैं करके दिखाएं ये मैदान या घोड़ा तो घोड़ेदा मैदान तो घोड़ा मैदान मार के दिखाएं अगर नहीं कर सकते तो फिर कोई और काम कर लो जनाब फिर एंड क्या है सवाल यह कि एंड क्या है हाथ पंजाब में हुकूमत लेने का मतलब है कि आपको इस्लामाबाद तक जाने से कोई न, कोई ना रोके और पंजाब की हुकूमत हाथ में आने का मतलब है कि 75 परसेंट पाकिस्तान आपके हाथ में है और वहाँ पर पंजाब में अगर पीटीआई की या जिसकी भी हुकूमत पंजाब में डूबी तो वो बड़ा मतलब है कि वो गई हुकूमत इसको इसका एक सियासी मकूला बड़ा मशहूर है कि जो पंजाब में तैर लेता है वो इस्लामाबाद में सुरखरू होता है और जो पंजाब में डूबता है वो इस्लामाबाद में उसका बिड़ा गर्क हो जाता है तो ये माजी की मिसालें आप निकाल के देख सकते हैं कि इधर नवाज शीफ साहब उधर वजीरम थे इधर ग़ुलाम साहब खान ने वटू साहब को वो गुड़ वाली मक्खी वो कहते हैं शहद लाया तो वो उन्होंने तख्ता उल्टा वहीं साहब का तो उतः वफाक में हुकूमत फर्ग होगी तो पॉइंट ये है कि सैनट में आप क्या कर सकेंगे सेनेट में तो कुछ नहीं आपके हाथ में आएगा तो वो एक नुमाइशी सी बात है तो अब चलते हैं कि जी के सौदेबाजी नहीं करनी तो फिर करना क्या है मैं नहीं कहता कि सौदेबाजी करें अल्टरनेट क्या है क्या नून लीग सिर्फ इस भरोसे में बैठी हुई है कि जी के दो हज़ार तेईस के इलेक्शन आजादा ख़ुद मुख्तार हो जाएंगे वादा ना शफाफ मुनफाना ग़ैर जानबदाराना हो जाएंगे नहीं हो सकते किस तरह हो सकते हैं जब तक आप इकतदार में बैठ के इमरान ख़ान साहब को फारग करके कानून पूरा ठीक करें कानून साजी इस तरह की करें आपको जो जो अनासर जो, जो एलिमेंट्स जो जो अफराद जो जो लोग अदारा जाती सतह पर भी आपको पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग बूथ के बाहर पोलिंग स्टेशन के करीब पोलिंग स्टेशन से तीन किलोमीटर रेडियस में दूर चाहिए तो आप कर लें बना लें कानून और इसके लिए जान मारनी पड़ेगी ना छीनना पड़ेगा इकतदार निकालना पड़ेगा इमरान खान साहब को वो आप करेंगे नहीं तो फिर आपको प्लेट में रख के शफाफ़ इंत का तोहफा कोई नहीं देगा ये तय है वो जो कहते हैं वोटिंग मशीन भी आएगी और मैं एक और आपको गुजारिश कर दूं मैं अब ये ब्रेकिंग ख़बर देने जा रहा हूं किसी को अच्छी लगे बुरी लगे खबर ख़बर होती है कि कुछ लोगों का जिनका ख़्याल है कि जनाब के एक छोटा भाई इमरान ख़ान साहब के साथ नहीं हैं बढ़ा नहीं है, है। ये इस तरह की जो बातें हैं ना वो बड़ी आ, और तरह की हैं पार्टियाँ मुतमिन बैठी हुई हैं पाकिस्तान की जो है ना आ, जो ताकतवर धड़े हैं या पाकिस्तान के ताकतवर जो आ, क्या कहेंगे जी क्या कहेंगे महतात अल्फाज ढूंढ रहा हूँ पाकिस्तान के ताकतवर त्रीन लोगों में से कुछ लोग बड़े इतमान के साथ बैठे हुए हैं कि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो आ, दो हज़ार जो आ, अगला इलेक्शन है वो भी वही जीतेंगे और उनको जितवाना है हमने तो लिहाजा फिर अब अगर आप ये कहें कि आप एक दरख्वा लिखेंगे मुस्लिम लीग नौन की तरफ से कि बिदमत जनाब बिदमत जनाब फ़लान साहब जनाब अली बादशाह सलामत आपकी मेहरबानी है कि आप जो है वो गैर जानबदार हो जाएं, तो वो तो हो नहीं सकते या आप पाकिस्तान में गैर जानबदारा इलेक्शन होने दें आपकी दरखास्त पे ये काम नहीं हो सकता क्योंकि ये काम जो हैं ये दरख्वास्तों के ऊपर नहीं होते ये अपना आप मनमाना पड़ता है और छीननी पड़ती हैं कुछ चीज़ें जिनमें से एक आज़ादी भी होती है और शिफाफियत भी होती है तो आप मतलब मेरी तो ये अभी तक मैं बार बार ये कहता हूँ कि समझदान छोटी है हम एक पॉलिटिकल लीडर के मुकाबले का ना तज्जिया कर सकते हैं और ना ही हमें हमारा विजन उस लेवल का होता है नवाज शरीफ साहब को अगर समझ आ रही है कि जनाब के वो अगला इलेक्शन 2022 में होगा या 2023 में होगा वो इमरान ख़ान साहब के ही बनाए हुए कवानी के नतीजे में और उन्हीं के मशावरत से बनने वाली जो कहते हैं को कौन सी निगरान हुकूमत वैसे तो निगरान हुकूमत एम ही दिखावे की होती है पाकिस्तान की रियाती मशीनरी काम कर रही होती होती है नीचे तो ऐसा कौन सा वो जादू की छड़ी है नवाज शरीफ साहब के पास मुस्लिम लीग नून के पास या ऐसा वो कौन सा मंतर है जंतर मंतर है कि वो पढ़ के पाकिस्तान की रियाती मशीनरी के ऊपर फूँकेंगे और वो वापस आयन की हदूद में चली जाएगी नहीं जाएगी ये चौहत्तर साल की आदतें नहीं जा सकती वो चाहे भी तो नहीं जा सकती स्टेक्स पे बहुत कुछ लगा होता है आदत पड़ी होती है ख़ाम ख़ा खाम खा काम खा, 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 अपने आप हाथ उस तरफ जाते हैं जहाँ पर आदत पड़ी हो अगर आपकी आदत पड़ी हुई है ना पिछले पाँच दस साल से कि आप जब सोते हुए उठेंगे तो मोबाइल को ही आपने हाथ डालना है आप रात को कसम उठा के सोएं कि सुबह मैंने उठ के मोबाइल को हाथ नहीं डालना पहले नहीं आदतन आप हाथ डालेंगे और मोबाइल हाथ में पकड़ेंगे उसके बाद जब खोल लेंगे फिर तुम्हें कसम याद आएगी अपनी तो यही हाल पाकिस्तान की रियाती मशीनरी का है कि चौहत्तर साल आदत है ये आदत किसी दरख्वास्त के की बुनियाद के ऊपर तब्दील नहीं हो सकती आदत तब्दील करवाने के लिए बड़ी ताकत लगानी पड़ती है ऐवे नहीं होंगे सर तो मुस्लिम लीग नून जो है वो अगर तो वो इस खुशफहमी में रहना चाहती है कि जनाब के अवाम की ताकत बस अनफ़ एन, है तो अवाम फिर ये तो फिर कोई इनकलाब वाली बात है फिर ले आए यही हो सकता है कि जो वो अपना वोटिंग मशीनों को भी चेक करें किस तरह वोट डल रहे हैं और किस तरह करके ये कोई बखरा प्लान है नवाज शरीफ साहब के पास तो कोई पता नहीं फिल वक्त जो है दो हकीकतें हैं कि वो लोग जो जिनकी वजह से इमरान ख़ान साहब जो हैं वो तिरते हैं और बिगड़ते भी हैं आंखें भी दिखाते हैं और पूरा जिसको आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस में हैं वो लोग आज भी उनके साथ हैं और वो लोग कल भी उनका साथ देने के लिए तैयार हैं और वो लोग जो हैं वो जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं वो किसी दरख्वास की के नतीजे में वो काम नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि चौहत्तर साल की तारीख बदली जाए ये तारीख बदलना इतना आसान काम नहीं होता और जो दूसरी चीज़ है कि पाकिस्तान के अवाम का तो मुझे अभी कोई कन्फर्म नहीं कह सकते सर्वे हो गया लाहौर में सर्वे हो गया एटी परसेंट लोग जो हैं वो एडियाडियाँ जो है ना वो तफरले जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वो दे रहे हैं ख़ान साहब को और ख़ान साहब के जितने हम दर्द हैं उनको दे रहे हैं और ख़ान साहब को मतलब वो जो नवाज शरीफ साहब वाला बयानिया था उस पर आंखें बंद करके वो यकीन कर रहे हैं और उस बयानिए पे खड़े भी हैं और चलने के लिए भी तैयार हैं मैं एक जुमला बार बार बोला करता था कि पंजाब धड़क रहा है और चमक रहा है फड़क रहा है तो नवाशिफ साहब पता नहीं कि अब क्या चाहते हैं फिल वक्त इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका